जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अर्ली मॉर्निंग। हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है, आपको पता ही है। और लाख सप्तन साहब हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड पे। तो अच्छा, हमें ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल आई हुई थी, उनकी बात थोड़ी बीच में रह गई थी सर जी। उनके लिए ये है कि उनको मरजान पहना है सुर्ख रंग का, और दूसरा ये कि सुर्ख चीज़ों का ही सदका करें। उनके लिए मंगल के दिन आपने ये सदका करना है, इनका सुर्ख चीज़ों का ये सदका करें, और मरजान इनको पहनाएं, ज़रा सुर्ख किस्म का मरजान हो, उससे थोड़ा सा इनकी बॉडी में एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। चूँकि एक नया सितारा केतु जो है वो उस बुर्ज में बैठा हुआ है कि जिनका ताल्लुक इस हिस्से से होता है, तो उसकी रेमेडी ये है कि आप इनको मरजान पहने। ठीक है सर, ये खातून की जो कॉल आई हुई थी, आपको बताया 4 अप्रैल 77 जी जी सुबह पौने छः से छः बजे के बीच में सऊदी अरेबिया दमाम में पैदा हुई, और मैरिड लाइफ उनकी डिस्टर्ब है, उनका बच्चा कोई नहीं हो रहा है, और वो हस्बैंड की तरफ से थोड़ी परेशान हुई हुई है, तो उनका बताइए जी। बीबी, जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो पाइसिस है, हूत जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन आपका जौजा है जेमिनाई, इसका सितारा अतारद है। बात यह है कि ऐसी कोई सूरत हाल मुझे जायचे में कोई ख़राबी मैरिज के हवाले से नज़र नहीं आ रही, लेकिन औलाद के हवाले से जो पोजीशन है उसमें थोड़ी सी आपके मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शायद आप अपने शौहर का थोड़ा टेस्ट वगैरह कराएं, क्योंकि उनके सिस्टम में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके कोई ऐसी मुझे कोई ख़तरनाक सूरत हाल मुझे आपके इसमें जायचे में नज़र नहीं आ रही। आपके लिए तो मुझे जो जायचे में नज़र आ रहा है कि आपके जायचे में चार बच्चों की निशानदेही होती है। चार बच्चे और मैक्सिमम यानी चार बच्चे, क्योंकि इस वक्त आपको सेटन का दौर है, जोल का दौर है, इसके लिए आप नीलम पहनिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 4 से 5 किरात का लेकर नीलम पहने, और काली चीज़ों के आप सदके करें और आयत करीमा पढ़ें, क्योंकि सेटन जो है ना वो छठे घर में अच्छा नहीं होता। एक तो बुर्ज असद में, दूसरा रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में, तो ये अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, बहुत ज़्यादा इंसान को अजीब तरह के वसवसे। कोई डिवोर्स का इस तरह का नहीं निखा, ऐसी ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत मारल कामयाब है इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये रेमेडी करेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? आलिया बात कर रही हूँ। आलिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से? कराची से ना? जी जी बिल्कुल, कराची से। बल्कि मैं इनकी पुरानी कॉलर हूँ, उनसे पूछती रहती हूँ, ये इतना परफेक्ट बताते हैं कि मैं रह नहीं सकती पूछे बगैर। लेकिन मैं भी पूछे बगैर नहीं रह सकती। बताइए, लव मैरिज है अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, अरेंज है। चलिए जी, ठीक है, आपका वोट अरेंज पे चला गया। आप पूछिए, आपने अपने लियाकत भाई से क्या पूछा? जी वालेकुम। जी लियाकत भाई, मैं जरा पूछना चाह रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ लिखिए। जी बताइए। 15th अगस्त 1959। कहाँ पैदा हुई? वाकेंट में। वाकेंट में, टाइम क्या था? 19 सन क्या? 59। टाइम क्या था? टाइम जी इशराक का, ये 7 से 7:45 के दरमियान। 7 से 7 के दरमियान सुबह। पूछना क्या है आज आलिया? पूछना एक जर्नल थोड़ा सा बताइएगा कि नेक्स्ट क्या फ्यूचर में चेंजेस हैं, और क्या है, क्या गुड पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा स्टोन के बारे में जरूर बताइए, सेहत के बारे में। सुबह 7 बजे की पैदा है? जी हाँ जी। ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल आलिया, थैंक यू। हाँ जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो ल्यू है, असद जिसका सितारा सूरज है, और मून साइन आपका है सजिटेरियस से पौस, इसका सितारा मुश्तरी है। बात यह है कि अभी भी राहु लगा हुआ है जायचे के अंदर, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करता है राहु, लेकिन जुपिटर आपको लगेगा तो बहुत अच्छा है। आपके जायचे में तीसरे घर में है, मैं समझता हूँ आपको ट्रैवल बहुत देगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि ये तीसरा घर चेंज का भी होता है, तब्दीलियों का भी होता है, तो ये एक बहुत सारी मेजर तब्दीलियाँ लाएगा आपके लिए। ट्रैवलिंग का भी है, मुमकिन है कहीं और रिश्तेदारों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। रिश्तेदारों से तो ये वैसे ही बहुत मोहब्बत करती हैं, भले वो नहीं करते हैं, लेकिन आप बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, ऐसा सीन है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी सूरत हाल है, अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकबिल आपका बहुत अच्छा। ठीक है सर। अच्छा सर, रमीज रावल पिंडी से हमें इनकी कल कॉल आई थी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है सर 20 अगस्त 87 शाम के 4 बजे रावल पिंडी में। सो
इन्होंने दूसरी बार अपना इंटर का एग्जाम दिया है. पहला जो था वो बीमार हो गए थे और काफी मेंटल डिप्रेशन में रहते हैं फॉर नो रीजन. और अभी एग्जाम जो उन्होंने दिया हुआ है उस पर परेशान है कि हो जाएगा, देने वाले थे शायद या दे रहे हैं, तो इस पर पूछना चाह रहे हैं. जल्दी से बता दीजिए इनका. जी भाई, जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो सेजिटेरियस से क्रॉस, जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन जो है वो जोजा है जेमिनी, इसका सितारा तारद है. अभी भी आपकी पोजीशन स्टिल है, कोई तब्दीली नहीं आई. उसके लिए आप थोड़ा सा इसकी रेमेडी करें, यानी काले रंग की चीज़ों का सदका करें, और दूसरा ये कि ख़ास तौर पर दुआ करें अपने लिए और आयत करीमा पढ़ें. मैं तो ये कहूँगा कि बारहवें घर में जब भी कोई काबिज़ हो और उसका दौर लगा हो तो इंसान को अल्लाह से बड़ी गड़गड़ा के दुआ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें आपके मामलात को ख़राब कर रही होती हैं. तो इसके लिए आयत करीमा पढ़े 313 मरतबा. इंशाल्लाह ताला हम भी दुआ करेंगे, डॉक्टर आफिया भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे. इंशाल्लाह. हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. गुड अर्ली मॉर्निंग. कौन बात कर रहे हैं? किश्वर बात कर रही हूं. किश्वर कहां से? कराची से. अच्छा किश्वर, जल्दी से अपना सवाल पूछिए, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है. अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए. शादी की बताए. हाँ ठीक है. 15 फरवरी 2003 कहाँ हुआ? कराची में. कराची में टाइम क्या था? 10 से 11 बजे के टाइम. 10 से सुबह? जी नहीं, रात को 10 से 11 के बीच में. ठीक है जी. अच्छा पूछना क्या है? पूछना ये हस्बैंड के बारे में पूछना है. हमारे जैसे लड़ाई झगड़ा रहता है ज्यादातर. अच्छा आपका लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है. ठीक है. हाँ. तो आप इस बारे में पूछ रहे हैं. चले जी हम आपको जल्दी से बताते हैं. ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर कॉल किश्वर. हाँ जी सर, जल्दी से बताइए. जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो सुंबला है विरगो, जिसका सितारा तारद है, और मून साइन आपका जद्दी है कैप्रिकॉन, जिसका सितारा जोहल है. लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आपने इकट्ठे रहना और सारी ज़िंदगी रहना, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है. और लड़ाई झगड़े को कम करें, झगड़ा आपकी तरफ से ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा गुस्से वाली. अपने आप को काबू में रखें, इंशाल्लाह ताला मामलात बेहतर है. अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुस्सा आए तो एक याकूत जो है ना उसको रिंग फिंगर में आप 3 से 4 की रात में बना के पहन दें, और या रहमान हो या रहीम हो इसका बहुत ज्यादा मिकदार में विर्द किया करें, इंशाल्लाह से गुस्सा कम करें किश्वर और मामला. हमें एक और कॉल है जी, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग जी, मैं मोहम्मद आसिम नूर बात कर रहा हूँ कराची से. जी आसिम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी, अब जल्दी से हमें बताइए हमारे पोल का सवाल का जल्दी से आंसर कर दीजिए. जी अरेंज मैरिज. अच्छा जी, अब हम डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइए. एक वोट नहीं आया, देखिए लव मैरिज के लिए. अच्छा जी, अब जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइए. जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1978. 11/10/1978 कहाँ पैदा हुए? 68 या 78? 78 78 78 78 मरी में पैदा हुए. वाह वाह. जी मरी में. ठीक है जी. और टाइम? 2 बजे. रात के 2 बजे. क्या पूछना है आपने? जी मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, और मेरी तबीयत खराब रहती है, कोई काम करता हूँ तो उस काम को पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सकता हूँ, बेरोजगार भी हूँ, कोई रेमेडी वगैरह बताएं. अच्छा जी, इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तबीयत भी मेरी खराब है. हम आपको बता रहे हैं. ठीक है, स्टोन वगैरह भी बताएं मुझे. ठीक है जी, आपको बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. हाँ जी सर. जी भाई, जायचे के मुताबिक आपका ताले लगन कैंसर है सरतान, जिसका सितारा कमर है, और मून साइन जद्दी है कैप्रिकॉन, इसका सितारा भी जोहल है. आपको भी एक नए सितारे जोहल का दौर है, जो कि बुर्ज असद में पड़ा हुआ है. तो ये ख़ास तौर पर इसका ये फार्मूला है कि ये जब इन घरों में बैठता है तो बहुत ज़्यादा मामलात को ख़राब करता है. सैटर्न के लिए ये है, जोहल के लिए कि अगर ताकतवर हो जाए, होकर आए तो इंसान को बड़ी बुलंदियों पर ले जाता है, और अगर कमज़ोर होकर आए तो फिर ज़मीन चढ़वा देता है. ये मतलब ये नहस अकबर है हमारे सिस्टम, क्योंकि बुर्ज असद में ये बहुत ख़राब होता है, बहुत कमज़ोर होता है, और ख़ास तौर पर जब ये इसकी नज़र 10वें घर पे नहस नज़र होती है तो इन तमाम मामलात को ये ख़राब कर रहा था. मैं कहूँगा कि आप इसके लिए भरपूर इसकी रेमेडी कीजिए, यानी एक तो नीलम पहने आप इसके लिए, कम अज़ कम भी 6 की रात का नीलम पहने सेकेंड फिंगर में, और दूसरा आप 72 सदके आप करें काले, जो कि आपने एक हफ्ता एक मंगल, हफ्ता मंगल, हफ्ता मंगल ये सदका करना. और ये ख़ास तौर पर आपके धड़ का जो निचला हिस्सा है इसको बहुत कमज़ोर करे, जिसमें किडनी है, टांगे वगैरह हैं, जहनी दबाव है, ये काफ़ी आपके इस मामलात को ख़राब करे.
तो सदकात करें, नगीना पहने, और ये अफत्ता हो या रज़ा को इसका विर्द करें। ये लगातार आप कम से कम भी 4 महीने तक इसको लगातार करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ये ख़त्म होगा आपको मरकरी लगेगा, वो बहुत ताकतवर है, एक अच्छी पोजीशन की तरफ आपको लेके जाएगा। तो इस हवाले से मुस्तकबिल आपका काफ़ी बेहतर है। चलें जी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी है और सेगमेंट ख़त्म होने का टाइम हो चुका है। सर थैंक यू सो मच, इतनी जल्दी जल्दी हम लोग जितना कवर कर सकते थे हम लोगों ने एक कोशिश की, जितनी कॉल्स अटेंड करें, जितने आप लोग के आंसर्स दें, लेकिन सेगमेंट ख़त्म होने का टाइम हो गया है। सर का मैंने शुक्रिया अदा कर दिया है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। तो मैं बताती चलूँ, हमारे जो पोल का सवाल है वो ये है कि आप हमें बता रहे हैं कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इसका जवाब आप लोग दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, अभी वापस आते हैं।